हेलो एवरीवन, आज मैं देखूंगी आप दोनों की करंट फीलिंग्स आज के दिन में क्या निकल कर आती है। तो इस डेक को मैं करूंगी दो पार्ट में डिवाइड और हम देखेंगे पहले मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ, सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड थर्ड कार्ड है मेरे व्यूवर्स की तरफ डेथ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप आज के दिन में थोड़ा रूड बिहेव कर रहे हो, बहुत पावरफुल एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आज का दिन आपका ऐसा रहेगा जैसे कि या तो पूरा अपनी तरफ कंसंट्रेट करोगे आप, और या तो आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आएंगे कि ये रिलेशनशिप में कुछ बचा है कि नहीं बचा है, क्या इस रिलेशनशिप में सब कुछ ख़त्म हो गया है या मुझे ख़त्म कर देना चाहिए। आपका मन करेगा कि मैं सामने से कॉल मैसेज करके बोल दूँ कि या तो मुझे क्लैरिटी दो वरना सब ख़त्म करो, ठीक है। कुछ इस तरह के भी विचार आपके दिल में आ सकते हैं। आपके लाइफ में ये भी नज़र आ रहा है कि आज के दिन में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन फील होगा अपनी एनर्जी में। कभी आपको लगेगा बहुत पॉजिटिव, बहुत मिसिंग एनर्जी, बहुत लविंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर को स्पाई करोगे, और कभी आपको लगेगा कि यार ये चल क्या रहा है, क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है, ख़त्म कर दो ये सब, मतलब मुझे तो ध्यान ही नहीं देना है, नंबर डिलीट कर देना, ब्लॉक कर देना, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। फ्लक्चुएशन आज बहुत ज़्यादा होगा, तो अपनी एनर्जी पे बैलेंस क्रिएट करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है, तो उसका भी इमोशंस पर बहुत हैवी असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा फुल मून आने वाला है, तो उसका भी असर आप देख रहे होंगे। तो आपके इमोशंस अप एंड डाउन हो सकते हैं आज के दिन में। कुछ बहुत रूड बिहेव कर सकते हैं, कुछ बहुत पोलाइट या अपनी पावर में रह सकते हैं। थोड़ा आप स्ट्रेंथ की एनर्जी है तो पावरफुल डिसीजन लेने की सोचोगे, हड़बड़ी में कोई गलत डिसीजन मत लेना। ये आज की गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि हड़बड़ी में गलत डिसीजन लेने के बाद जब आप शांत होगे तो आपको पछतावा हो सकता है। बढ़ते हैं आपके व्यूवर आपके पार्टनर की तरफ। तो पहला कार्ड है द लवर्स, दूसरा कार्ड है एस ऑफ कप्स और तीसरा कार्ड है द टावर। ओके, तो यहाँ पर इनकी एनर्जी बड़ी अजीब सी है। इनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में बैंड बजी हुई है। टावर का कार्ड है, तो ये जो बैंड बजी है ये भगवान की मर्ज़ी से चल रहा है। इनके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। कुछ ना कुछ इनके लाइफ में अप एंड डाउन चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या इनके कुछ अपने इश्यूज ये डील करते हुए आज के दिन में नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो आज के दिन इनकी मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, बहुत बुरा तरह से झगड़ा हो सकता है, या तो इनकी फैमिली से, या तो इनके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है उससे, या इनकी प्रोफेशनल लाइफ में। साथ ही आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में रहेंगे। इनके लाइफ में जितने ही अप एंड डाउन्स रहेंगे, इन्हें सिर्फ आप ही हो जो हील कर सकते हो, इनकी सोल हो आप। अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हो तो डेफिनेटली आपके अंदर वो पावर डिवाइन ने दी है कि आप इन्हें इस मुसीबत से निकाल सको। आपने एक बात नोटिस की, आपकी तरफ आया है डेथ और इनकी तरफ आया है टावर। आप अपने पार्टनर को मिरर कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को मिरर कर रहे हैं, ये सीधी बात नज़र आ रही है। वो बहुत डिस्टर्ब हैं, इसलिए आप बहुत डिस्टर्ब हो। इस समय उन्हें आपकी ज़रूरत है, इस समय आपको कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, क्योंकि वो परेशान है इसलिए आप परेशान हो रहे हो। तो आपके लव लाइफ में यूनियन आने वाला है, न्यू बिगनिंग आने वाली है। पेशेंस रखिए, पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस।